जरा यस सर, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज रिलेटेड टू जो है वो है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनिशियली वी सर विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन लेटर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ द लेक्चर व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द लेक्चर इन द लेक्चर्स जो भी हमारा एक दो ये जो क्लासेस होंगी हमारे अबाउट 4 to 5 months आई थिंक से होंगे उसके अंदर जो हमारी टीचिंग की मेथोडोलॉजी होगी उसको जो है वो देख लेंगे कि क्या क्या मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट असाइनमेंट्स क्विजेस रिपोर्ट्स एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स देन वी विल मूव ऑन टू द टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 2 लेक्चर्स एंड देन फर्दर गोज ऑन। ये हमारा आज का थोड़ा सा जो है आज की जो क्लास है उसके अंदर हमारे ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने आज की क्लास में कवर करने हैं। आई थिंक वी विल हैव अबाउट 5 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक ब्रेक होता है क्लास के दौरान आपके यहाँ अभी जो लास्ट क्लास यस सर, यस सर, 15 मिनट्स ब्रेक। जी सर दो ओके, देन सेशन के बाद 15 मिनट देन का वी ब्रेक विल होता है। टेक 15 मिनट्स ब्रेक आफ्टर ये टू कब सेशंस होगा आफ्टर फाइव कितने बजे 4 बजे होगा 4 सवा 4 सवा आफ्टर चार द बजे सर, कंप्लीशन ऑफ टू कंप्लीशन जूम ऑफ टू जूम वो सेशंस 4 देयर विल बजे बी अ ब्रेक। ठीक है ओके। तो असल में हमारी जो है वो 4:15 पे ऑफ होगा तो 4:30 पर ब्रेक सॉरी 4:30 पर ब्रेक खत्म हो जाएगा फिर हम 4:30 स्टार्ट करके 5:45 तक ऐसे ही होता है ना। यस सर, जी सर यस सर, ओके डन जी। तो वासिफ से स्टार्ट करते हैं। वासिफ मेरा आज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके सर। आई एम मोहम्मद वासिफ एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन ईएफ किट एंड इट्स माय सिक्स्थ सेमेस्टर एंड माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई हैव प्रिपेयर्ड मैनी डोमेन सेक्टर्स ऑल्सो वर्क एंड आई हैव ऑल्सो वर्क ऑन न्यूरल नेटवर्क एंड डिवेलप मैनी डेटा सेट्स ऑल्सो रिलेटेड टू ए आई। बेसिकली इन माई इन शॉर्ट If I will define you that my area of interest is related to the AI, artificial intelligence, and that's all about it. ओके थैंक यू वासिफ जी। आसिफ खान सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं BScS का स्टूडेंट हूँ और फिफ्थ सेमेस्टर है मेरा, और करंट कोर्सेस में भी फॉर्म लिया है जो आपसे पढ़ेंगे, लगने में इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसा सब्जेक्ट है। सर ओके आसिफ खान थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ यहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो आपकी तरफ से जो डिस्कशंस है उसके अंदर आपकी जो पार्टिसिपेशन होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज़ वेरी मच टेक्निकल सब्जेक्ट्स बट द मैनेजमेंट इज ओनली टू यूज योर माइंड टू हैव सम न्यू आइडियाज टू क्रिएटिविटी फॉर द क्यूरियोसिटी एंड टू मेक सम इंट्यूशन डिसीजंस। तो इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर है और इसके अंदर दिमाग का जो है डेफिनेटली आप जो सोचते हैं चाहे बुक्स में कुछ भी लिखा हुआ है कहीं पर क्या है उनकी अपनी जगह पे अहमियत जरूर है बट द वे यू थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं व्हाट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करंटली वी कैन सी इन द इंडस्ट्री वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कशन जो है हमारी क्लास का जो है वो मेन क्रक्स होगा जो कि आपकी पार्टिसिपेशन के साथ ही हो पाएगा। तो डेफिनेटली मेरा तरीका ये है कि आई विल डिस्कस अ स्लाइड देन यू आई विल गिव योर टाइम टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक स्लाइड।
अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई या इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपने किसी बुक में, किसी आर्टिकल में, कहीं आपने कोई चीज पढ़ी है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड इन दिस लेक्चर्स, ताकि जो आपके बाकी साथी हैं, कुलीग्स हैं, वो भी आपसे सीखें और मैं भी आपसे जो है वो सीखूं कि आपने, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपकी लर्निंग है वो किस तरह, और किस तरह कंप्यूटर साइंस में जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं हेल्प करेंगे. इंशाल्लाह वी विल हैव अ गुड टाइम इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. ओके जी, सिकंदर खान. Assalamu alaikum, my name is Sikandar Khan. Currently I am doing BScS from PFK University. Right now I'm in 7th semester and I hope Principle of Management will be a good course this semester. Thank you. Inshallah. Okay Sikandar, thank you very much. Daniel Javed. Assalamu alaikum sir, my name is Daniel Javed and I'm a student of PF KIT. I'm currently studying 6th semester in PF KIT. And I hope that principle of management helped me to develop a great skill or a great manager skill to work on my business or my project. Inshallah ji, thank you very much, Daniel. Then we have Hassan Umar. Assalamu alaikum, my name is Hassan Umar. And I'm currently in the 7th semester and I hope that this course will help polish my management skills in my further experience. That's all. Okay, thank you very much Hassan. Then we have Sayyid Shayan. Sayyid Shayan, are you with us? सर उन्होंने एसएमएस किया चैट पे. यस सर, ही हैज मैसेज क्या चैट किया है बच्चे हमारे लिए. सैयद शायान अली, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉरी फॉर टाइपिंग इन द टेक्स्ट सर, आई एम अनेबल टू स्पीक राइट नाउ ड्यू टू माइक आउट ऑफ ऑर्डर. ओके शायान, थैंक यू वेरी मच. कोशिश करें कि जो है अपने माइक को अगली क्लास तक ठीक कर लें. ये जो है इस क्लास के अंदर ज़रूरी होगा कि आपका माइक बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि हम जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर सकें. तो कमिंग क्लास तक इंशाल्लाह आपका माइक, मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, ताकि हम, आप भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकें, वरना आपकी बहुत सारी बातें दिल में रह जाएंगी तो ज़रा अच्छा ही लगेगा. Then we have Zuhayb Ahmed. Zuhayb Ahmed. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Sir, currently I am in my last semester. Iske alawa sir, main jo masroofiyat hain wo ek software house mein job karta hu main. Theek hai. To wahin pe hi hota hu, isi wajah se Saturday aur Sunday ko maine courses uthaye the last semester hai. Okay. Aur iske alawa sir, main jo hu faculty hu sir Aptech ke andar. अच्छा, वेरी गुड. यहाँ पे जो शेरा फैसल पे है सर? नहीं, जोर मोड़ पर सर. मैं जोर में रहता हूँ, गुलिस्तान है जोर में, तो शेरा फैसल वाला बहुत दूर पड़ता है वहाँ पर. अच्छा, यहाँ से. ओके ओके जी सर. आप तो वहाँ पे जोहर वाले में हैं? जी सर, जोर वाले में. ओके ग्रेट. ये जो एप्टिक है, इसकी एक्रीडेशन तो खत्म हो गई थी ना बाहर से, या अभी भी है? सर अभी भी है. अच्छा, मुझे तो ये पता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक केस की एक्रीडेशन बाहर जो जिस इदारे से थी वो खत्म हो चुकी है. नहीं सर, अभी भी चल रही है. अभी भी चल रही है? तो कहाँ से है एक्रीडेशन? तो खत्म नहीं. कहाँ से जी सर? कहाँ से एक्रीडेशन है पता है आपको? सर इसके बारे में तो नहीं पता सर. सर मैं यहाँ पर जो है .NET वगैरह, एंड्रॉइड स्टूडियो और पाइथन पढ़ाता हूँ, लर्निंग करता हूँ. वैसे मैंने सुना है अच्छा सिखाते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी सर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपना पढ़ने का, बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि लर्निंग में ही सारा टाइम गुजर जाता है और फिर वो लर्न करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है. अच्छा, हाँ मैंने सुना है वहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हैं. लैब वैब होती है?
यस सर, पूरी लैब्स ही होती है, मतलब वहां पर ऐसा होता ही नहीं है कि सारा थ्योरी पे काम हो ना, सारा हर चीज पे। अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको वेब एप्लीकेशन पूरी बनाकर दिखाना पड़ेगी बच्चों को, और फिर जो अच्छा है उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ती है, फिर वो SRS वगैरह ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो पूरी प्रॉपर चेक करना पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे आगे बोलते हैं सर हमें शुरू से ही सिखाएं, ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी ऐसा बात नहीं होता है जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं ना है। हाँ, कि बता दिया भाई .NET पढ़ रहे हैं हम लोग, इस तरह अवेलेबल बनते हैं। उनको बाकायदा जो है पूरी चीजें शुरू से लेके एंड तक सिखाना पड़ती ओके ठीक है। अच्छा जी, तो है। यस सर मैं थोड़ा सा, मेरे हाल में आप लोगों का तो इंट्रोडक्शन हो गया, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। यस सर मेरा नाम यही जी बोल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद है। आई हैव बीन इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी टीचिंग सिंस 2008। प्रीवियसली आई वॉज वर्किंग एज ए हेड ऑफ सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, एंड अबाउट आई हैव 10 years प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आई एम ऑल्सो रिसर्चर, आई हैव पब्लिश अबाउट 34 research papers published and attended the conferences. I have visited about 6 to 7 countries. I have visited Turkey in 2016. I have visited Spain, Switzerland, France, Italy, and Saudi Arabia. These are the few countries I have visited in 2018. I have done a PhD in human resource management, and you will be happy to hear that I am a graduate of PF KEAT in 2020. मेरा जो PhD है वो 2020 के अंदर मैंने PF KEAT से ही कंप्लीट किया है। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन MS, PF KEAT का मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। MS भी मैंने यहीं से 2014 में किया है, 2020 के अंदर मैंने PhD किया है। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर बिजनेस रिसर्च सेंटर। And I'm involved in the research of Department of Management Sciences. I have been teaching to basically MS and MBA level students since 2012, weekends and evening program in my university. And this is my third semester in PF KEAT. To teach courses related to human resource management, related to the management, related to the OD, and related to research. These are my areas of specialization, especially the human resource management is my area. And I have practical and theoretical exposure as well. आमतौर पर जो computer science के students को मैंने बहुत दफा पढ़ाया है, I found very genius students from the computer science department compared to the business management. क्योंकि business management में जो लोग आमतौर पर जो students आते हैं उनकी आमतौर पर जो academic qualification के अंदर percentage होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए CS के अंदर आमतौर पर जो बच्चा आता है उसकी percentage compared to the business administration student उसकी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बट नॉट ऑल, उसके अंदर जो है वो अलग अलग उसके मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट्स होते हैं अवेलेबल। बट आई फाउंड लिटिल गैप इन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आई फाउंड लिटिल डिफरेंस इन द presentation skills of the management students and the computer science students. So these types of courses will enrich you in these kinds of skills, that is the management skills, that's the presentation skills, that's the report writing skills.
and all these things involve in our lectures. So mera tarika ye hai zara aapko thoda sa mehnat karni padegi mere course mein agar aap log mera saath dein to aapki jo presentation skills hai usko hum behtar kar sakte hain kyunki management mein आप जब यहाँ से कंप्यूटर साइंस कर जाएंगे तो आमतौर पर आपको ये दिखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा या आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए होंगे उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री होगी जिसकी वजह से वो आपके आपको मैनेज कर रहे होंगे. तो ये अगर आप अपनी स्किल्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स में बेहतर कर लेते हैं तो देन यू विल हैव अ चांस टू बी अ टीम लीड. आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें या कहीं पर भी काम करें या आप अपना इवन दो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो देन दी मैनेजमेंट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उसमें सबसे मुश्किल तरीन जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं. हर बंदा ये समझता है कि शायद वो सॉफ्ट स्किल के अंदर अपने आप को ये समझता है कि वो बहुत ही अच्छा है और उसका कंपेरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता. लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी सबसे मुश्किल तरीन जो स्किल्स है जिसको आप लर्न आम तौर पर स्टूडेंट्स नहीं करते बिकॉज मे बी द ओवर कॉन्फिडेंट और मे बी दे डू नॉट हैव द टाइम टू गेट दिस काइंड ऑफ स्किल्स. इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ आता हो या ना आता हो अगर आपको अच्छी बातें करना आती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं तो आपके अंडर में बहुत सारे टेक्निकल लोग जो है वो काम कर रहे होंगे जिनको आप मैनेज कर रहे होंगे. बट इफ यू नॉट हैव द स्किल्स टू मैनेज द पीपल इफ यू नॉट हैव द स्किल टू मैनेज द प्रोजेक्ट्स इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो चांस नहीं मिलेगा टू बी अ गुड मैनेजर. इसलिए ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इस कोर्स को समझें इसको अंडरस्टैंड करें रिलेटेड टू द थ्योरीज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकलिटी ताकि आप जो है आने वाले वक्त में जब आप जॉब पे जाएं या अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए इसके इस स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपनी जॉब को इनरिच कर सकते हैं आप अपने करियर को बेहतर डेवलप कर सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है ये कोर्स जो है the course will add value to your career, professional career. तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि हम जो है बेहतर जो है ये सेमेस्टर गुजारेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस सेमेस्टर को. इन्हीं जो है अल्फाज के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो हमारा कम्प्लीट होता है. आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम इनको जो है इनके ऊपर बात करेंगे. अच्छा जी जुहेब का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है सर हाउ टू गेट दी स्किल्स काइंडली गाइड अस थैंक यू सर. डेफिनेटली देखिए जुहेब किसी भी स्किल्स को जो है लेने के लिए या अपने आप को उस स्किल में इनरिच करने के लिए the basic and important thing is the your interest and your hard working to get these kind of skills. agar aap sirf baatein karte rahenge ya logo se khali poochte rahenge ki how to get to you will not get any skills. to isliye aap bas us cheez ke piche lag jaye. for example if you want to get a good presentation skills you want to get a good presentation skills and you want to get good communication and good soft skills तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये कोर्स में भी हम कुछ करेंगे लेकिन उसके अलावा आप उस चीज को दिन रात में सोचना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्दी आप उस चीज में कामयाब हो जाएंगे. बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं उसको करने के लिए. लोकल लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. तो आप को जब तक हम जो है इसकी आपकी प्रॉपर स्किल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किन एरिया में आप लैक करते हैं उस वक्त तक गाइड करना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो पहले तो आपको जो सॉफ्ट स्किल्स में उसमें से कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आप में हैं और कौन सी ऐसी हैं जो आप में नहीं है
उसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर आगे चल के। अच्छा जी, ये हमारी 40 मिनट का सेशन होता है, ये तो 40 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाता है। आपने क्या करना होगा, इसी सेम आईडी को ज्वाइन करके को इस्तेमाल करके आपने जो है वो इसे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो अभी एक मिनट रह गया है हमारे सेशन को कंप्लीट होने में, जो 40 मिनट का सेशन था पहला, उसके बाद आपने दोबारा इसे ज्वाइन करना है। मुझे आप 3 से 4 मिनट देंगे, क्योंकि ये मुझे आपका ये जो लेक्चर है इसे मुझे सेव करना होगा, और सेव करने के बाद फिर जो है वो हम दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आप इसके दरमियान में 3 to 5 मिनट्स का गैप होगा। आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको इजाजत दी हुई है, आप मुझसे पहले ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। और मैं जो है 2-3 मिनट के बाद आपको ज्वाइन करूंगा इस वीडियो को सेव करने के बाद, ठीक है जी। तो इसके अंदर दो सॉरी सर, कैन यू प्लीज शेयर द कोर्स आउटलाइन आल्सो सो दैट वी कैन सी द मार्किंग क्राइटेरिया आल्सो। जी, कोर्स आउटलाइन तो आज शायद शेयर ना हो पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्स आउटलाइन उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैं जो है आज कोऑर्डिनेट करूंगा इंशाल्लाह, और कमिंग क्लास के अंदर आपके साथ कोर्स आउटलाइन कम्प्लीटली मैं शेयर करूंगा।